तो मदरबोर्ड जो होता है, सबको पता है मदरबोर्ड हर कंपनी जो होती है वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो मदरबोर्ड किस टाइप से निकालना है। और कंपनी की बहुत सारी कंपनीज है, उन्होंने अपने अपने नाम से मदरबोर्ड निकाले हैं, डेल के भी हैं, एचपी के भी हैं, जेक्रोमिक्स के भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। मदरबोर्ड भी आती है उनके, हाँ मदरबोर्ड भी आती है, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जिनकी बहुत वाइड रेंज है मदरबोर्ड कंपनीज की। ठीक है, वैसे ही तो उनकी मदरबोर्ड के फंक्शन से दूसरे मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग थोड़े सेपरेट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक सबको शायद ढंग से पता होगा कॉपीराइट का बहुत इशू होता है इन चीज़ों में, टेक्निकल लाइन में या वैसे किसी चीज़ में कॉपीराइट का बहुत बहुत ज़्यादा इशू होता है। अगर किसी ने एक जैसा कलर भी मैच करा दिया ना और दूसरी ने भी बढ़िया से ये कलर यूज़ किया है, फिर ये सारी चीज़ यूज़ की है, तो वो क्लेम कर सकता है। क्यों सर, वैसे ही कह रहा हूँ, ऐसा होता है। तो वो इसीलिए उनके फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस पे सेम मोड के फंक्शन बेसिकली जो नॉर्मल होते हैं F8 होता है। ठीक है, बट F8 तो होता है, F8 फंक्शन की होती है, जो आपके कीबोर्ड में है ना ऊपर F1 F2 F3 F4 F5, तो F8 वो फंक्शन की होती है जो इन कामों के लिए यूज होती है, विंडोज लेवल पे यूज होती है, क्योंकि अभी तक हमने टाइपिंग किया बाकी सारी चीजें की, तो इनको हम कम यूज करते हैं। इनका भी यूज होता है जब आप एक्स्ट्रा कोई काम करते हो, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो, जैसे विंडोज माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, जब वर्ड में आप टाइपिंग करते हो, एक सेंटेंस लिख लिया, आप चाहते हो कि इस पूरे सेंटेंस को मुझे एक कैपिटल में करना है कमांड के थ्रू, तो वहाँ पे भी ये काम आता है। तो बहुत सारे के तरीके हैं, तो हर जगह इनका तरीका अलग हो जाता है। जैसे डिलीट बटन है आपका, हर जगह पर उसका तरीका अलग है। जब आप टाइपिंग करते हो तो क्या होता है, डिलीट से आपने टाइपिंग किया होगा, क्या होता है डिलीट से, जब आप टाइपिंग करते समय डिलीट बटन यूज करते हो तो क्या होता है, मिट जाता है। ठीक है, वो राइट साइड पे मिटा देता है। अगर वही काम टाइपिंग के अलावा कहीं आप किसी दूसरी चीज में करते हो तो डिलीट कर देता है उसे। ठीक है, तो फंक्शंस डिपेंड करता है उसकी यूसेज के अकॉर्डिंग, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा था सेफ मोड की बात कर रहा था कि अगर सिस्टम बार बार स्टार्ट हो रहा है तो सेफ मोड में ओपन करके देख लो, पहला स्टेप। अगर सेफ मोड में आपका सिस्टम ओपन हो जाता है, इट मींस कुछ फाइल्स थी आपकी विंडो की जो स्किप हो रही थी, मिस हो रही थी, उसने वो रिपेयर कर ली। अब आप नॉर्मल स्टार्ट करोगे ना, डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप ये था, अगर आपका सिस्टम बार बार रिस्टार्ट हो रहा है सेफ मोड पे। सेफ मोड पे कैसे करें, नॉर्मल आप रिस्टार्ट करते हो सिस्टम को, तो आपको एट द टाइम ऑफ नीज से जब सिस्टम स्टार्ट होता है आपको तभी F8 या सिस्टम की जो कमांड होती है उसको प्रेस करके रखना होगा, मतलब दबाना होगा। उसके बाद में सेफ मोड के ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे वहाँ पे, सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट, सेफ मोड, बाकी सारी चीज़ें, सेफ मोड नेटवर्किंग समथिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, सेफ मोड को सिलेक्ट करो अप डाउन एरो की यूज करके, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लैंग्वेज होती है ना पूरा एडजस्ट करके सारी फाइल्स को दिखाता है। ठीक है, अभी जब नॉर्मल स्टार्ट करती है तो प्रोग्रामिंग फाइल्स को नहीं दिखाता है, एड्रेस को नहीं दिखाता है, नॉर्मल ग्राफिक को दिखाता है। लेकिन सेफ मोड के टाइम पे क्या होता है, वो एक एक लाइन वाइज वो उसकी कोडिंग को दिखाता है, वो ऑन होता है। लेकिन जब आपकी विंडो सेफ मोड में होगी तो एक बहुत कॉमन सी बात होती है, उसकी चारों कॉर्नर पे लिखा होता है सेफ मोड। ठीक है, अगर वहां पे रीस्टार्ट हो जाता है तो वहां पे सिस्टम सही से काम कर रहा है, इट मींस वो आप दोबारा से रीस्टार्ट कर लो उसे नॉर्मल व्यू में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपना सिस्टम इजीली काम करेगा। अगर उसके बाद भी इश्यू आ रहा है तो हम फिर इसके अंदर जाएंगे कि वो रीस्टार्ट होने की वजह क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इन पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले अभी मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ विंडो सॉल्यूशन। ठीक है, कनेक्टिविटी आप पहले एक बार भी करवा लो या फिर आप तो मैं एक बार करा के देता हूँ। एक बार क्यों सर, तो ज़्यादा समझ में एक काम कीजिए, आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए। शट डाउन कर, ठीक है, मैं सारी वायर निकाल देता हूँ यहाँ से। नहीं करना सर, वहाँ से बंद किया था अपने को से। सर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ट्रेनिंग में हो, बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, आप रहने दीजिए, आपको करनी पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम को आप प्रॉपरली बंद नहीं करेंगे तो उसकी विंडो करप्ट होगी। विंडो करप्ट हो जाएगी,
और वो आपका काम बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से शटडाउन करो, यहाँ से कमांड दो शटडाउन की, उसके बाद आप शटडाउन हो जाए, ठीक है। वैसे ही पहला कोई ऐसा प्रश्न बस चेकलिस्ट जैसा हमने डिफाइन किया कि पहले किसको किससे कनेक्ट करना चाहिए, ऐसी कोई प्रायोरिटी हो या आप कहीं से भी कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, इस जनरली आप क्या करते हैं? नहीं नहीं, बाहर हमें क्या बताना है, जल्दी क्या बताना है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हार्डवेयर, हार्डवेयर कनेक्शन जो है सब आपको किसी को नहीं बताना, सिर्फ आपके लिए आप किसको बताना चाहिए, चलिए हमें हमें भी बताइए कि मतलब कहाँ से एक्चुअली राइट वे क्या है, कहाँ से करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में मतलब आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो या कनेक्टिविटी की बात? कनेक्टिविटी की बात करो, अगर हमें कनेक्शन स्टार्ट करना है हमें अपने लिए भी करना है तो व्हाट इज द राइट प्रोसीजर है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपके पास में ये ऑप्शंस होने चाहिए, आपके ऑप्शन हैं, उसके बाद में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। पहले एक चीज को कंप्लीट हो जाए तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, मतलब इसमें पावर कोड लगा दिया वीजी के बेस में, ठीक है। फिर सीपीयू बेटर रहेगा, पहले सीपीयू से स्टार्ट करो क्योंकि सीपीयू में आपको पता है कि कीबोर्ड भी लगाना है, माउस भी लगाना है, वीजी केबल भी लगानी है और पावर कोड भी लगाना है, ये चार तो आपके मैनेज हमेशा लगेंगे। तो पहले सीपीयू कनेक्ट करें, ज्यादा बेटर है। हां सीपीयू को कनेक्ट करो, और जो वीजी केबल होती है ना उसमें भी पिंस होती है, मैं आपको दिखा देता हूं ये, और ये बहुत सारे केसेस जैसे आते हैं ये पिन भी मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, घुमा के लगा देते, ठीक है। तो ये पिंस को मोड़ ना मोड़ने ऐसा एक तरीका है, आप इसकी शेप को दे दो, अगर शेप मैच करेगी तो ही आप प्लगिंग कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है हल्की सी पिन टेढ़ी हो जाती है, शेप को मैच कर रही है लेकिन आप उसे प्लगिंग कर देंगे। सीपीयू से किसी भी केबल में ऐसा कोई करंट नहीं आ सकता जहां टच करे, ये सेफ्टी प्रिकॉशन होती है, अगर मान लो अर्थिंग हुई हुई है तो नहीं करंट आएगा, तो करंट अगर अर्थिंग नहीं हुई तो सबसे पहले है कि कंप्यूटर मतलब ऐसे असेंबल करते वक्त अगर दीवार पर लग गया तो बहुत जोर का झटका लगता है, लैपटॉप भी करंट मारता है, और तब पीसी तब होता है जब आपके पास में अर्थिंग नहीं हो, अगर हमारे घर पे जैसे अर्थिंग हुई है तो नहीं मारेगा, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स में या कोई नॉर्मल यूज करोगे ना, अगर अर्थिंग नहीं है ना, अगर आप लैपटॉप भी यूज कर रहे हो और उसका छोटा सा पार्ट भी होता है ना वीजीए पोर्ट वाला, और वहां से लगते साथ में हाथ में रखते हैं वो भी आपको करंट देगा, मॉनिटर की स्क्रीन भी करंट मारती है, कभी कभी क्वार्टर में भी होता है, बच्चों को कह देते हैं नंगे पैर अंदर आओ, तो नंगे पैर बच्चों को कभी अलाउ नहीं करना है, तो वहाँ पे आप पहले आपके पास फिर वो आपको देखना, वो आपको जज करना पड़ेगा, सर बच्चे चिकन पे बोल रहे हैं वो आपको, क्योंकि कमल ये होता है कैसे, ऐसा नहीं कि जब किस कुछ में ऐसे देखने को मिलता है, वो होता है उसको होता है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिस्टम सभी ओके थे, आप लगाओ कुछ भी हो तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे स्कूल में शिफ्ट हुए बोलते सर करंट आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ ओके है, फिर मैंने बोला एक बार अर्थिंग सेट करा लो, अर्थिंग है, फिर उन्होंने अर्थिंग सेट कराया पूरे स्कूल का, उसके बाद में वो करंट आना बंद हो, तो ये इश्यू आते हैं आपकी अर्थिंग, जो स्टील की पेन ड्राइव होती है ना वो भी करंट मारती है, अगर अर्थिंग नहीं हुई तो बहुत बड़ा झटका लगता है एक बार, ये सब चीजें जो है ना ये प्रिकॉशन की चीज है, हां ये सेफ्टी प्रिकॉशन है, सेफ्टी प्रिकॉशन जरूरी है, ये जरूरी है, ये कुछ इसमें नहीं है, ऐसा उल्टी बात है हैं, और अभी इस पे बात की आपने स्विच किया, ठीक है आप वीडियो शेयर किए हैं अंदर, ये बात करा दीजिए सर, वो चीज तो अभी हो गई, अभी जो मैनुअल सब को ये दिखाया जा रहा है ना, ये अभी रेडी नहीं है, वो तो सिर्फ मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखा दूं,
इस बस में इसको लेकर हम और ट्रेनिंग नहीं मैं आपको इसमें भी दिखाने वाला हूँ मैं उसे दिखाई देगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें भी काम कर रहे हैं क्योंकि टीम वर्क हमारी टीम लिमिटेड है चार पांच लोग टीम पे हम काम कर रहे हैं और उनके सारा सारी चीज़ें वही देख करते हैं तो हो सकता है वो चीज़ हमसे टाइम लगेगा चीज़ को बनाने में ठीक है जो आपका कंसर्न है वो जनरल है ये जो सेफ्टी पॉइंट है ये सेफ्टी पॉइंट कोई भी आपका क्लास में अगली भी आती है उनमें ये सेफ्टी पॉइंट तो बता दीजिए और सर एक और बात है जब आप इंटरनेशनल हर बात दी जाती है लेकिन क्लास के एंड में दी जाती है बट आपका क्वेश्चंस पहले आ गया और शायद हां एक और बात जब आपने कहा था मतलब चेक कर रहे हैं ना वीडियो केवल खराब तो नहीं होगी मैंने सब कुछ चेक कर लिया सेव और भी अलग देख लिया और अगर जब हम सीपीयू बोलने जा रहे हैं तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि पावर केबल अनप्लग हो सबसे बड़ा झटका सीपीयू से लगता है अगर एम को टच भी कर दिया और बताइए जैसे मतलब चेक कर रहे हैं कोई हमारा कंप्यूटर नहीं ऑन हो रहा तो हमें ये नोट बता दीजिए हमें सीपीयू खोलना पड़ेगा कई की बार की करते हैं मैंने एक कंप्यूटर सपोर्ट को ये गलती करते हुए देखा है दुकान में काम करता है उसने पावर जो केबल होती है ना बोर्ड प्लग नहीं की अच्छी व्यू की सीपीयू खोल लिया उस साइड से खुल जाते हैं दो स्क्रू होते हैं हां तो सीधा है वो खोलने लग गया वहां पे सर अच्छा सर वहां पे बहुत बड़ा झटका लगा आप सर वहां पे कभी आती है ना वहां पे चाहे यूपीएस बंद भी है ना स्विच ऑन है स्विच बंद भी कर दी तब भी करंट आएगा तो सर एक बात बताइए जब आपको पता है कि लाइट वहां पे तार लगा हुआ है और आप फिर उसी की उसी यहां से कनेक्ट लाइट आ रही है आप भी जो है मेटल में तो पहले जैसे बैटरी काम करने लगता है वो से निकल जाता है बट आपने बता दिया फिर भी स्पीड उसके दिमाग में फिर भी निकल गया तो ये कर सकते हैं ये तो पढ़ते हैं कि और गलती बहुत से प्रोजेक्ट बाय जब झटका लगे घर का लाइट हां सर तो बहुत फास्ट चला रहा है बस सप्लाई का बात है ठीक है तो पावर जब आप कंप्यूटर को ओपन करोगे फिर उसके बाद तो कुछ ही आपको देखने मिलेगा क्योंकि पावर आप इन है उसके बाद आप यूज करोगे तो दिक्कत होगी ठीक है सर जिन्हें की प्लग आउट हो चुके हैं प्लगिंग कीजिए दोबारा शुरू कर दें खुद से कीजिए